हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज एक न्यू अपडेट फिर सामने आई है। तो दोस्तों, आपके आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, न्यू अपडेट आपके लिए रीअपीयर और आपके पास फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। परीक्षा रद्द को लेकर कुलपति जी को पत्र भेजा गया है। दोस्तों, CDLU सिरसा जो यूनिवर्सिटी है उसका हम आपके सामने एक पत्र आपके पास दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारे साथ जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से डेली आपके पास अपडेट होती है। चाहे आपके पास प्रमोट के बाद लगा लो, चाहे आपके पास रीअपियर के फॉर्म की लगा लो। तो दोस्तों, फॉर्म की कटिंग में दिखा देता हूँ आपके पास। इसका आपके पास पत्र भेजा गया था दोस्तों, आपके पास ये पत्र भेजा गया था, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं की जाए रद्द। तो उसके लिए आपके पास ये शीर्षा से न्यूज आई है। तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके पास। तो जूम करके मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, आप देखिए। इसको मैंने जूम कर दिया दोस्तों और अंडरलाइन कर रखा है, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं की जाए रद्द। और आपके पास ये भेजा गया CDLU के कुलपति को ईमेल से भेजा पत्र। तो दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं। हिंदुस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन ने अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं रद्द करवाने के लिए वीरवार को कुलपति के उपलब्ध न होने पर ईमेल से पत्र भेजा। कुलपति को भेजे गए पत्र में उसने लिखा कि एसोसिएशन में जिला प्रधान मुकेश गुर्जर और उसके बाद राजकीय नेशनल कॉलेज के प्रधान मोहित मेहता और वाइस प्रधान देवांशु बजाज ने संयुक्त रूप से उनको ये पत्र भेजा गया। तो दोस्तों, आपको पता है भाई, कोरोना महामारी की वजह से क्या हो रहा है, फिलहाल जो भी पेपर हो रहे हैं वो आपके पास सारे के सारे लेट हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वो सारा का सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है कोरोना महामारी की वजह से। तो दोस्तों, बात करते हैं, जो ये पत्र ये लिखा है, ये आपके पास साफ साफ शब्दों में लिख रखा है, वीरवार को कुलपति जी के CDLU के कुलपति जी हैं उनके पास पत्र भेजा गया है उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो दोस्तों, आपको ये पता है भाई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया, अब बच गए आपके पास फाइनल ईयर के और रीअपियर के विद्यार्थी बच गए। तो दोस्तों, खास कर ये नोट आपके लिए उनके लिए है जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं और जो रीअपियर के बच्चे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कॉमेंट आ रहे थे मेरे पास, सर हमें ये बताया कि फाइनल ईयर के पेपर होंगे या फिर रीअपियर के पेपर होंगे। तो दोस्तों, नहीं होंगे या होंगे, तो दोस्तों उनका नोटिस आज आपके सामने डिस्कस करें। तो दोस्तों, आपको आज इस नोटिस के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आपके पास फाइनल ईयर के बच्चों को भी और आपके पास रीअपियर के बच्चों को भी प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों सारे बच्चे तो बराबर हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को किया गया था प्रमोट किया गया था। तो दोस्तों, इससे आगे बात करते हैं, इसमें आपके पास जो देवांशु बजाज ने संयुक्त रूप से, इसके आगे हम पढ़ते हैं इसमें न्यूज क्या दे रखी है। तो दोस्तों, आप देखिए। तो दोस्तों, इसके आगे आपके पास बात दे रखी है, जैसे आपके पास मुकेश गुर्जर, राजकीय नेशनल कॉलेज के प्रधान मोहित मेहता और वाइस प्रधान देवांशु बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि अगर परीक्षाएं होती है तो CDLU प्रशासन को परीक्षाएं देने के लिए आने वाले सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो उन्होंने बताया कि CDLU में हॉस्टल नहीं खोले जाएंगे, तो बाहर से आए विद्यार्थी कहां पर रहेंगे। दोस्तों, आपको पता है भाई, कोरोना महामारी की वजह से सभी आपके पास बंद है, यूनिवर्सिटी वगैरह, तो हॉस्टल तो कहां से खोले जाएंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास, अगर उनको किराए पर कोई मकान नहीं मिलता तो विद्यार्थी कहाँ रुकेंगे, मेन बात तो दोस्तों ये आपकी। इसलिए क्या कर रहे हैं भाई, उनसे पत्र के माध्यम से लिख रहे हैं कि जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं और जो रीअपियर की परीक्षाएं हैं उनको भी क्या किया जाए, रद्द किया जाए। दोस्तों, उनकी मांग है कि जिन विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष क्या है भाई, परीक्षा है, उनको भी क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। दोस्तों, काफी अहम बात आपके लिए आज बता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, बात करेंगे इससे आगे। तो दोस्तों, पहले आप ये समझे कि आपको पता है भाई, कोरोना महामारी की वजह से क्या हो रहा है, जो भी आपके पास पेपर हो रहे हैं उनको क्या कह दीजिए, उनके लेट सरकारी इधारे दोस्तों। तो दोस्तों, इसको देखते हुए हम इसके आगे आपके पास पढ़ रहे हैं। इनकी मांग है कि जिन विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष क्या है दोस्तों, परीक्षाएं हैं, उसके बाद हम नोटिस पढ़ रहे हैं, वर्ष में रीअपियर है तो उनको इंटरनल परीक्षा के आधार पर अंक देने के आधार पर पास किया जाए। तो उन्होंने बताया कि
जिस प्रकार कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसे देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न लेकर उनको पिछली कक्षा के आधार पर जाए। तो इसके अलावा जो भी आपके पास कैरी फॉरवर्ड रीअपीयर के कारण विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों पिछली परीक्षा के आधार पर अंक दिए जाए। दोस्तों काफी आपके पास अहम बात लिखी है दोस्तों, जो आपके पास मैंने नोटिस बताया था, कैरी फॉरवर्ड का मतलब आपके पास रीअपीयर और फाइनल के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इनकी मांगे हैं कि उन्हें भी क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए दोस्तों पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर दोस्तों। तो दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं, छात्र पदाधिकारी ने कहा कि अगर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी प्रमोट हो सकते हैं तो फिर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी क्यों नहीं। दोस्तों मेन बात यहां से आती है आपके सामने कि आपके पास ये तो कह दिया सरकार ने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष को प्रमोट कर दे, तो अंतिम वर्ष को क्यों नहीं किया। तो दोस्तों उसके प्रमोट की मांग आज कुलपति जी के सामने, हमने ये नोटिस आपके सामने पूरा पढ़ा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने न्यूज अपडेट जैसे लेनी है, जैसे आपके पास डेली अपडेट आती है, जैसे कोई आपके पास रीअपीयर के लगा लो, चाहे आपके पास कोई प्रमोट के लगा लो, तो दोस्तों न्यू अपडेट आपने लेनी है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले दोस्तों, जब भी वीडियो अपलोड करूं मैं आपके पास सबसे पहले आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों काफी अहम आज की न्यूज आपके सामने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।